अयोध्या के लिए निकल चुके हैं, जो कि जबलपुर से, और ये अयोध्या के लिए 600 किलोमीटर पैदल चलेंगे। मैंने जब सोच लिया था जब राम मंदिर बनेगा तभी मैं राम मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करूंगा, मैं पैदल चलूंगा भगवान के लिए। आपको भरोसा है कि आप 22 जनवरी को अयोध्या में होंगे? कार में विकास बर्मन, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। हमारे साथ एक ऐसा राम भक्त मिला है जो कि रास्ते पर पैदल चलते हुए अयोध्या के लिए निकल चुका है और लगातार वह पैदल यात्रा कर रहा है। और यहाँ पर देखा गया है कि ये जो हाथों में झंडा लिए आप देख सकते हैं, भगवान राम और हनुमान जी दिख रहे हैं लगातार इनके पीछे, जो कि बैनर लगा हुआ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये अयोध्या के लिए निकल चुके हैं, जो कि जबलपुर से, और ये अयोध्या के लिए 600 किलोमीटर पैदल चलेंगे और लगातार ये पैदल चलते चलते 22 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे और उनके प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजा अर्चना और उनके जो कार्यक्रम है उनमें शामिल होंगे। आइए हम जानते हैं इनका नाम क्या है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राजवीर पटेल है, मैं सिहोरा निवासी हूँ। बाकी जबलपुर में मेरे बड़े पिताजी लोग रहते हैं जिनसे मैं अच्छा लगा उनसे मिलके। मेरे बड़े पापा जी ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की है और हमेशा राम भक्त बनाया है मुझे। और हमारे घर के एक शिव मंदिर है, वहाँ पास हमेशा 30-35 वर्षों से लगातार शिवरात्रि की पूजा होती है। उसके चलते मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला और मैंने जब सोच लिया था जब राम मंदिर बनेगा तभी मैं राम मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, मैं पैदल चलूँगा भगवान के लिए। जो भगवान ने इतना अच्छा समय दिया है मुझे जाने के लिए, वहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। और राम मंदिर जब से बना है मेरे खुशी की लहर मेरे परिवार में, गांव में, और मेरे पूरे जबलपुर, पूरा देश ही लहले हम। बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को, राम मंदिर जो बन रहा है बहुत ही सुंदर बन रहा है। उसको देखने के लिए मैं ग्रामीण से, गांव से हूँ और वहाँ से सीधे निकल चुका हूँ कि मुझे 22 तारीख को वहाँ पहुँचना है और मुझे दर्शन भगवान दे दें। लेकिन प्रोटोकॉल है वहाँ, पता नहीं दर्शन मिलते हैं या नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करूँगा कि मुझे दर्शन मिल जाएँ। अच्छा, देख सकते हैं आप लगातार जो कि पैदल चल रहे हैं, ये कितने किलो का बैग होगा जो ढो रहे हैं आप? ये फिर भी 12 किलो का बैग होगा। क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं आप साथ में, क्योंकि पैदल चल रहे हैं, रात होती होगी तो कैसे क्या मैनेज करते होंगे ठंड में? इसमें मंदिर मिल जाता है या ढाबा मिल जाता है। यहाँ पीछे एक यादव ढाबा था, उनने मेरी बहुत मदद की और उनने मुरे को बताया रास्ते में कहीं भी तुम्हें दिक्कत हो तो आप बेझिझक फ़ोन करना, हम आपके लिए सजग हैं। और राम भक्तों ने इतना हमको रास्ते में कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं और जा रहे हैं, हमें ऐसा लगा कि हम अयोध्या जल्दी पहुंचेंगे। और सभी ने हमसे जय श्री राम के नारे, कम से कम हजारों भक्तों ने हमसे जय श्री राम बोला है और हमने हजारों बार उसका रिटर्न जवाब दिया। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बाकायदा झंडा लिए हुए हैं भाई साहब हैं, जो पटेल साहब हैं, और लगातार जो कि पैदल चल रहे हैं और जबलपुर से कटनी पहुंच चुके हैं, करीबन 100 किलोमीटर उन्होंने चल चुके हैं। आइए हम और उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कितना समय लगा जबलपुर से कटनी तक आने में। अभी 2.5 दिन हो गए, 2.5 दिन। आपको भरोसा है कि आप 22 जनवरी को अयोध्या में होंगे? हाँ, मुझे फुल भरोसा है, बहुत अच्छा है और मुझे पहुँचना ही है वहाँ। राम भक्त हूँ क्योंकि मैं सनातनी हूँ, जो मुझे एक वरदान प्राप्त होता है बजरंगबली, जो बजरंगबली स्वयं है उनने वरदान दिया है मुझे, एक भी कष्ट नहीं हुआ, तो मुझे इस चीज़ को देख के लग रहा है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अच्छा, आप देख रहे होंगे जो जिस तरीके से कई लोग भी ऐसे वहाँ पैदल निकल चुके हैं, क्या आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे तो बस भगवान राम के वहाँ जाना था मुझे, बस ये प्रेरणा सिर्फ राम से मिली और मेरे बड़े पापा जो हैं जबलपुर में रहते उनसे मिली, क्योंकि वो सुबह हर सुबह टाइम नहाने के बाद पूजा करते हैं और उनकी पूजा से मुझे ये मिला कि वहाँ मुझे जाना चाहिए, जो मेरे घर में कण कण में राम विराजमान है। देख सकते हैं हमारे साथ जो कि राम भक्त, एक ऐसा राम भक्त मिला है जो लगातार पैदल जबलपुर से अयोध्या के लिए निकल चुका है। और इतनी जो कि सड़क पर धूप है और ठंड में जब से ही रात होती, कभी ढाबा कभी मंदिर, वहाँ पर रुक जाते हैं। आइए हम और भी ऐसे दिलचस्प खबरों से आपकी रूबरू कराते रहेंगे। आप देख रहे थे IBC 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।